सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। इसको इसका फूड भी दिया जो टाइम पे मैं देता हूँ सुबह उसको, बट उसने कुछ फूड भी नहीं खाया। तर कसकाय मंडळी, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है आदित्य वालेरा और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। तो गाइज आज हम ड्रेको के साथ मिरर प्रैंक करने वाले थे, बट कुछ वजह से हम वो प्रैंक आज नहीं कर पाएंगे। आप देखो मैंने ये मिरर भी ला के रखा था, देखो कल से मिरर ला के रखा हुआ है मैंने घर पे, बट इसकी तबीयत आज अचानक खराब हो चुकी है। इसने सुबह से 5-6 बार उल्टियाँ कर लिए, वाइट कलर की उल्टी थी। और मैंने अभी डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर बोल रहे थे कि गर्मी की वजह से होता है या फिर एसिडिटी हो गई होगी। तो उसको आज दिन भर, मतलब इसको कैसा है, दिन भर अगर कूलर चालू रखा तो ये कूलर में बैठता ही नहीं है। मैं अगर नीचे गया तो मेरे साथ नीचे आ जाता है। मुझे तो यार काम करने जाना ही पड़ेगा, तो मेरे साथ नीचे आ जाता है, मेरे पीछे पीछे और नीचे ही बैठ जाता है। और नीचे कुछ कूलर वगैरह कुछ भी नहीं है ग्राउंड फ्लोर पे, तो उसके वजह से शायद गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हुई होगी। तो देखो सुबह से कुछ भी नहीं खाया मैंने। इसको इसका फूड भी दिया जो टाइम पे मैं देता हूँ सुबह उसको, बट उसने कुछ फूड भी नहीं खाया। और कर्ड भी दिया जो दही रहता है हमारा, दही भी दिया और दही भी नहीं खाया। ये देखो दही भी ला के रखा था मैंने। डॉक्टर ने मुझे फ़ोन पे बोला था कि ये इंट्राजर्मिना है, ये दे देना करके, और अगर शाम तक ठीक नहीं हुआ तो फिर क्लिनिक में ला लेना बोल रहे थे डॉक्टर। तो अभी देखते हैं, शाम तक अगर ये ठीक नहीं हुआ तो लेके जाना पड़ेगा इसको हॉस्पिटल में। इसके पेट में से ना आवाज़ भी आ रही है, शायद भूख के वजह से है या फिर किस वजह से है पता नहीं। क्या हुआ ड्रेको? क्या हुआ ड्रेको को? क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है? सो जा सो जा सो जा सो जा। इसको फिर मैं और दोपहर में 2-3 बजे ट्राई करूँगा थोड़ा सा दही देने का, अगर दही खाएगा तो अच्छा रहेगा। देखते 2-3 बजे दे के देखते उसको। आज तो उसको नहलाना भी था, संडे है तो, बट तबीयत खराब है बेचारे की तो नहला भी नहीं सकते। देखते हैं बस जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। गाइज आज है थर्ड डे। ये देखो ये बेटा है हमारा ड्रेको। तो इसके वोमिटिंग के बाद गाइज इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। इसने वोमिटिंग और पोटी स्टार्ट कर दी थी कंटिन्यू। पोटी एकदम पतली पोटी स्टार्ट कर दी थी और पोटी में से एकदम बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। उस वजह से मुझे थोड़ा लग रहा था कि भाई अभी इस को गैस्ट्रो या फिर पार्वो हो गया, तो इस वजह से मैं थोड़ा टेंशन में आ गया था। तो इसलिए मैं कुछ व्लॉग शूट नहीं कर पाया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फिर उस दिन मैं रात में डॉक्टर के पास लेके गया था इसको। तो डॉक्टर ने इसको चेक वगैरह किया और चेक करके उसको 3 टाइप की गोलियाँ दी और मुझे बोला कि इसको रात में एक एक गोली दे देना और इसका पूरा खाना पीना टोटली बंद कर दो, इसकी फीडिंग, इसको ऑफ फीड रखना है हमें।
और देखते हैं 24 घंटे में क्या रिजल्ट आता है। 24 घंटे में अगर इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो इसकी ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा हमें। तो फिर ठीक है, मैं आ गया घर पे और इसको गोलियाँ दी। उन्होंने जो डॉक्टर ने हमें मेडिसिन दी थी वो दे दी मैंने इसको। और इसको मेडिसिन देने के बाद ही इसने फिर से वोमिटिंग कर दी और पोटी कर दी। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन आ गया था, मैं बोला क्या करूँ। और फिर डॉक्टर तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो मैं डॉक्टर को भी कॉल कर रहा था बट डॉक्टर कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। तो फिर मैं रात भर नहीं सोया इसके लिए, मैं बोला ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर मॉर्निंग में इसने फिर से वोमिटिंग की 7:30 बजे, और फिर मैंने 8 बजे के करीब डॉक्टर को फ़ोन लगाया। मैं बोला सर अभी इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो चुकी है, कुछ तो भी हमें करना पड़ेगा नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर बोले ठीक है आप 9 बजे आ जाओ क्लिनिक में, हम इसे सलाइन लगाएंगे। तो उसको मैं लेके गया और सलाइन लगा ली और फिर घर पे लेके आया। और फिर घर पे लाने के बाद इसने वॉमिटिंग और पोटी दोनों भी नहीं की। सलाइन के पहले तो ये पूरा शांत पड़ा हुआ था, और फिर जब जैसे हमने सलाइन लगाई और उसके बाद ये करीब करीब 5-6 बजे शाम को खेलना स्टार्ट हो गया इसका। मैं बोला अभी चलो ठीक है, अभी टेंशन नहीं है। डॉक्टर ने मुझे शाम को फिर से 7:30 बजे बुलाया था, सलाइन लगाना पड़ेगा बोले। तो फिर मैं सर सर को फ़ोन किया, बोला सर आप क्लिनिक में हो? तो हाँ बोले। कैसी है बोले तबीयत? मैंने बोला वोमिटिंग तो नहीं की इसने और पॉटी भी नहीं की। तो सर बोले चलो ठीक है, अच्छी बात है, अभी हम इसको सलाइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम इसको इंजेक्शन लगाएंगे। तो सर ने इसको इंजेक्शन वगैरह लगाया और मुझे वो दवाई 5 दिन तक कंटिन्यू करने के लिए बुलाया। मैंने डॉक्टर को पूछा कि इसको क्या हो गया था सर एग्जैक्टली? तो डॉक्टर बोले कि गैस्ट्रो की इनिशियल स्टेज है बोले ये। अच्छा हुआ बोले हमने इसकी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। मुझे तो एकदम ऐसा मैं शॉक हो गया कि एक ही सलाइन में हमारा रिकॉर्ड ठीक हो गया। तो पता नहीं, मैं ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए था, ठीक ठीक हुआ ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। शायद आप लोगों का प्यार उसके साथ था इसलिए हमारा रिकॉर्ड बहुत जल्दी ठीक हो पाया। तो अभी तो इसको सलाइन तो मैंने कल लगाई थी, आज तो सलाइन नहीं लगाई, आज क्लिनिक में भी नहीं लेके गया। आज दिन भर से इसको बस दही दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिन से मतलब कुछ भी इसको फीडिंग नहीं हुई है। तो अभी देखता हूँ शाम में, अभी देखेंगे कल वगैरह इसको थोड़ा सा फूड दे के देखेंगे खाता है या नहीं। तो गाइज बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज मैं आज का व्लॉग यही एंड करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ड्रेको ड्रेको ए ड्रेको, खाना खाएगा? भूख लगी? भूख लगी क्या? Nothing can stop me, I'm all the way.